वहीं बागपत में एक ऑटो पर होली का गुब्बारा जब पड़ा तो पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर लिया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे ऑटो पर कुछ युवकों ने पानी से भरे गुब्बारे फेंके हैं जिससे ऑटो बेकाबू होकर हाईवे पर ही पलट गया और इसमें दो लोगों को गंभीर चोटें आईं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। कोतवाली बागपत पुलिस को सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें गुब्बारा फेंकने से एक ऑटो के पलटने की घटना घटित होती दिखाई दे रही है। पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की गई जिसमें ऑटो सवार दो व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली में गांव के बाहर खेत पर बने मंदिर में सो रहे एक पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और उनका नाम संदीपन पाल है और उनकी तेज हथियार से किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर SHO महाराजगंज, CO महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पाकिस्तान में हालात तो पहले से ही खराब थे और अब इमरान की नींद भी वहां पर रफू चक्कर हो गई है क्योंकि खतरा बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से ही है। उनके मंत्री और 24 सांसद ही इमरान के खिलाफ अविश्वास झंडा लेकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में आज की तारीख अहम होने वाली है जब ये तय होगा कि इमरान को और मोहलत मिलेगी या फिर कुर्सी से सीधे उतार दिया जाएगा। क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर उतरेंगे सेना के टैंक? क्या पाकिस्तान में इमरान विरोधी तूफान बाजवा के लिए मौका? पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट में यही सवाल कौंध रहे हैं क्योंकि सियासी टकराव में इमरान बड़ी बाजी हारते दिख रहे हैं। अभी मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था तो हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने ये बताया कि मौसम ऐसा है कि हेलीकॉप्टर वहाँ जा नहीं सकता, पहाड़ी इलाका है, वहाँ स्टॉर्म्स हैं मौसम में, जो जिस तरह की आंधी है तो उसके अंदर हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता। तो इसलिए मुझे आपसे माजरत करनी पड़ रही है कि मैं आपके पास आज अजल से पे नहीं आ सकता। पाकिस्तान में आक्रोश के तूफान में इमरान टिके रहेंगे या फिर पवेलियन लौट जाएंगे, इसका फैसला होने में अब महज चंद घंटों का फासला बचा। इस्लामाबाद में सोमवार की सुबह या यूं कहें 21 मार्च की तारीख अपने साथ इमरान खान के मुस्तकबिल का पैगाम लेकर आने वाली है कि इमरान PM की कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कुर्सी से उतार दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला है। इमरान खान के सामने मुसीबत एक ओर से नहीं आई बल्कि मुसीबत के कई वेरिएंट से इमरान खान इन दिनों पीड़ित हैं और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत है खुद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 24 सांसद जो आर पार के मूड में है। 24 बागी सांसदों ने सिंध हाउस में शरण ली और ऐलान किया कि वो इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। बस फिर क्या था, इमरान समर्थकों ने धावा बोल दिया। गेट तोड़कर सांसदों पर हमले की कोशिश की गई, उन्हें बम बंदूकों का डर दिखाया गया। मतलब साफ है कि सत्ता की हनक और कट्टरपंथियों के दम पर इमरान आखिरी गेंद तक सामना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और अब PTI पर दबाव बढ़ रहा है कि वो तख्ता पलट से पहले ही कोई बड़ा फैसला कर दे। बात कुछ थोड़ी आगे बढ़ गई है और PTI
के लिए भी ये फैसला करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए कि इमरान खान साहब जो है वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें और अब किसी और अपने पार्टी के नुमाइंदे को आगे बढ़ाएं। मेरा ख्याल है शायद अब बात उससे ज़्यादा आगे बढ़ गई है, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। मेरा ख्याल है कि अब शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी चीज़ें आ गई हैं। दरअसल इमरान विरोधी लहर पिछले साल से उठने लगी थी, महंगाई अर्थव्यवस्था समेत तमाम मोर्चे पर नाकामी का दाग इमरान खान पर ऐसा लगा कि विपक्ष के साथ साथ इमरान के अपने भी बागी हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान सरकार के कई मंत्री ही इमरान के इस्तीफे का अभियान चला रहे हैं, जो कभी राइट हैंड रहे उनका भी इमरान से मोह भंग हो चुका। और जब इमरान खान को हमने देखा था पहली दफा और सुना था, ऐसे लगता था कि ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। लेकिन सर अफसोस ये है कि मैं इतना क्लोज रहा हूँ इमरान खान से, क्योंकि जब भी कोई ना हक बात होती थी मैं सीधी खान साहब तक पहुँचाता था, और मैंने ये देखा है कि वो बातें ज़रूर करते हैं, तकरीर भी बहुत अच्छी करते हैं, जज्बात में रुला भी देते हैं, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। कुल मिलाकर कल का सूरज इमरान खान और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होने वाला है। एक बदहाल मुल्क के नाकाम कप्तान के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, और इन सब के बीच करारी हार का खतरा भी। अगर इमरान खान जरा भी अड़े तो इस्लामाबाद में बाउंडर तय है।